हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 10 साइंस। इन द लास्ट लेक्चर यू हैव लर्नड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दैट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? दैट मैग्नेटिक फील्ड वर्क्स ऑन ओनली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, दैट मैग्नेटिक फोर्स कोई भी होता है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के ऊपर ही होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स इन साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट इट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फॉर्म ए क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर इनसाइड द मैग्नेट। एंड द लास्ट वन, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट is dependent upon number of magnetic field lines cut by that object. कि कोई भी object कितनी field lines को cut करता है, accordingly उसके ऊपर force लगेगा। The more number of field lines are cut by the object, then the force will be greater. If the force number of field lines are less cut by the object, then it will be have lesser amount of magnetic force or attractive force. So now this force, ये फोर्स तो लगता है डायरेक्टली ऑन टू द मेटालिक चीज, कोई भी आयरन की चीज के ऊपर, लेकिन कोई अगर दूसरी मेटालिक चीज के ऊपर रखे तो कॉपर होता है तो कॉपर को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, एल्यूमिनियम को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे बहुत सारे मेटल्स है जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। बट वी हैव द अनदर प्रॉपर्टी वी आर लुकिंग इन दिस चैप्टर, द इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट में क्या चीजें कॉमन है, उन दोनों में आपस में मिला है तो क्या होता है। जैसे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्लियर? तो यहां पे हम एक चीज देखते हैं कि भाई हमने कोई एक मैग्नेट रखा हुआ है, दिस इज अ सिंपल बार मैग्नेट। नाउ देर इज अ कंडक्टर, देर इज अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई एक रोड रखा हुआ है यहां पर। नाउ दिस रोड इज कनेक्टेड टू दी वायर। नाउ दिस रोड इज कनेक्टेड टू दी वायर एंड दैट वायर इज कनेक्टेड टू दी बैटरी, इज कनेक्टेड टू दी बैटरी। समझ में आ रहा है? नाउ दिस इज ए बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आप कुछ भी रखो, इसकी कोई ना कोई ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी। क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगी यहां पर इस तरीके से, बेटा समझ सकते हो आप, हमने कल ही देखे थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। नाउ दिस इज ए कंडक्टर, ये कोई एक रोड है, मेटालिक रोड, जैसे कि आयरन का रोड है, कॉपर का रोड है, एल्यूमिनियम का रोड है। नाउ इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी और यहां पे हम रखते हैं स्विच, यहां पे रखते हैं स्विच या तो फिर की, आपको जो मर्जी आए वो बोलो। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट इज फ्लोइंग। अभी स्विच ओपन है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। नाउ कहते क्या हमें, करना क्या है हमें? Whenever the switch is closed, स्विच को क्लोज करते, इट मींस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द बैटरी। सो दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, उसे क्या कहते हैं बेटा? करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें से करंट जा रहा है इसीलिए उसे क्या कहते हैं? करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि वो करंट को कैरी कर रहा है, उसमें से करंट पास हो रहा है। सो व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसको किसके अंदर रखा हमने? मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं इसे हम, तो ये मैग्नेट की ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या रखते हैं? एक कंडक्टर को रखते हैं। ध्यान से देखते बेटा क्या हुआ, बहुत ही सिंपल है, बार बार रिपीट कर रहे हैं लेकिन वो याद रहना चाहिए। बैटरी, बैटरी वायर से कनेक्टेड है और वो वायर कहां से किससे कनेक्टेड है? सपोज दिस इज ए एल्यूमिनियम रोड, एल्यूमिनियम रोड। क्लियर? तो ये एल्यूमिनियम रोड है। सो नाउ इसमें से करंट पास हो रहा है क्योंकि ये स्विच क्लोज कर दी तो करंट पास हो रहा है। क्लियर? तो सर्किट क्लोज हो गई, करंट पास हो रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एंड व्हेन, जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, और अगर जब हमने रखा तो ये रोड में डिस्प्लेसमेंट हुआ, रोड ऊपर नीचे हिलने लगा,
तो या तो ऊपर गया या तो नीचे गया. इट मींस इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. When any conductor experiences a force, when any current carrying conductor is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field. When any current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experiences a force. कोई भी current carrying conductor को magnetic field के अंदर रखते हैं तो क्या experience करता है बेटा? वो experience करता है force. क्लियर? तो इससे हमें पता चला कि हाँ, करंट और मैग्नेटिक फील्ड में कोई ना कोई तो दिक्कत है. क्लियर? उसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है कि जब भी कोई करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में मिलते हैं तो फोर्स प्रोड्यूस होता है. वो फोर्स किसके ऊपर लगता है? जो कंडक्टर है उसके ऊपर. व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो कंडक्टर क्या एक्सपीरियंस करता है बेटा? कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स. क्लियर? ये किसने बताया? दिस थियरी वाज गिवन बाय एंद्रे मेरी एम्पियर. एम्पियर, एम्पियर सुना होगा, करंट का यूनिट एम्पियर. वो वाले साइंटिस्ट ने यहां पे दिया था ये थियरी कि भाई जब भी कोई कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. फोर्स यानी आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा. फोर्स तो अप्लाई होगा लेकिन वो ये जो रोड है ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आगे पीछे, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट वॉज गिवन बाय, वी हैव ए लॉ दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्या कहते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? उसके पहले हम ये वापस एक बार थियरी अगेन कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है इट एक्सपीरियंस ए फोर्स. लेकिन एक और चीज कि फोर्स का अमाउंट कितना होगा? तो फोर्स का अमाउंट सबसे ज्यादा तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो. कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, सो दीज आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. क्लियर? सो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और अगर करंट की डायरेक्शन इससे कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर है. कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर. इट मींस 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है. कितना बेटा? 90 डिग्री. तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तब इस सिचुएशन में फोर्स जो है अप्लाई तो होगा बट वो मैक्सिमम होगा. क्लियर? तो फोर्स कब मैक्सिमम होता है? व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द करंट एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तब फोर्स कैसा होता है? मैक्सिमम. तो अभी मुझे बताओ फोर्स मिनिमम कब होगा? फोर्स मिनिमम कब होगा? व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड द करंट विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल. कि भाई इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है और उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है. सो दिस इज करंट एंड दिस आर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो यहां पर अगर कोई बीच में भी करंट जाएगा सो इट इज, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो एंगल इज जीरो. सो देर वॉन्ट बी एनी फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द कंडक्टर. तो उसमें से कोई भी फोर्स अप्लाई होगा नहीं. तो फोर्स ज्यादा कब होता है? जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है. जीरो कब होता है? जब वो एक दूसरे से पैरेलल या तो फिर एंटी पैरेलल होता है. क्लियर? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है तब फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो मिनिमम. जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी करंट सॉरी फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. क्योंकि सेम डायरेक्शन पैरेलल बोलते हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन वैसे होता तो पैरेलल है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उसे क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल. एंटी पैरेलल पैरेलल इसे क्या कहेंगे? इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शंस एंटी पैरेलल. फोर्स मैक्सिमम कब होता है? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. समझ में आया? अगर देखो जब पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल होती है फोर्स जीरो है, जब परपेंडिकुलर होती है तब फोर्स मैक्सिमम है. इसका मतलब कि भाई अगर वो उसका कोई एंगल छोटा सा बन रहा है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट थोड़ा सा स्लैंट डायरेक्शन में जा रहा है फिर भी फोर्स लगेगा बट जितना परपेंडिकुलर करंट होगा उसके जितना फोर्स लगेगा नहीं. द फोर्स विल डिक्रीज इफ द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड
करंट इज लेस देन 90 डिग्री, तो मैक्सिमम फोर्स 90 डिग्री पे, मिनिमम जीरो फोर्स पैरेलल या तो फिर एंटी पैरेलल पे, क्लियर, और बाकी के बीच के एंगल पे कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, बट द मैक्सिमम जितना एंगल बढ़ता जाएगा 90 की तरफ तो फोर्स उतना इंक्रीज होता जाएगा, जितना एंगल कम होता जाएगा फोर्स उतना डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर। नाउ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का डायरेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। सो व्हाट डायरेक्शन फोर्स इज अप्लाइड, कौन से डायरेक्शन में, कि भाई ये करंट, ये समझ लो कि ये वायर ही है तो तभी उसमें से करंट पास होगा, तो ये वायर ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा कैसे पता चलेगा, तो उससे पता चलेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल में आपको तीन चीजों की यूज करनी है, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर। तो इसको परपेंडिकुलर रखना है, देखो ये परपेंडिकुलर आया, इन तीनों को परपेंडिकुलर रखना है, तो परपेंडिकुलर है, हाँ है, तो अभी थंब को कैसे रखेंगे, देखो थंब इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, तो यहां पे मैं आपको एक ग्राफ बनाना सिखाता हूं, देखो बेटा ग्राफ, सो दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, नाउ दिस एंगल इज परपेंडिकुलर। अभी मुझे थर्ड एक्सिस चाहिए, 3D में ग्राफ बनाना है, तो समझ लो कि यहां से एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ यहां पे आ रही है, देखो ये एक्सिस है, क्लियर, समझ में आया, थर्ड एक्सिस कौन सा है बेटा, तो ये देखो ये थर्ड मार्कर है, वो थर्ड एक्सिस है, तो वाई और ये एक्सिस, उसे जेड नाम देते हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आज तक हमने ये वाले फिगर्स देखे थे, अभी हम क्या देखते हैं 3D फिगर्स, तो 3D फिगर के लिए तीन एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस, दिस वन इज द जेड एक्सिस। देखो y और z के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, x और z के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो सिमिलरली हमारे यहां पे ये सिचुएशन वैसा ही होना चाहिए, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, देखो आप इस तरीके से रखना है, इन दोनों के बीच में एंगल देखे तो 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल देखे तो 90 डिग्री, दिस टू कि अगर हम यहां पे देख रहे थंब और इसके बीच में एंगल देखे तो 90 डिग्री, तो कोई भी तीन फिगर्स लेनी आपको, थंब, फर्स्ट फिंगर और इन तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, कौन से हैंड का, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड, अभी राइट लेफ्ट का पता नहीं है तो फिर डूब मरो, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड में थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, ये तीन फिंगर्स यूज करने हैं, और यहां पे क्या क्या चीजें रखनी है, इन तीनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखना है। नाउ मूविंग ऑन बैक टू द थियरी, हमारे पास कौन कौन सी तीन चीजें होती है, एक होता है करंट, क्या होता है बेटा करंट, दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड थर्ड वन इज फोर्स। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट और फोर्स, ये थ्री हमारी फिंगर्स हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड फोर्स। हमें जानना है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फर्स्ट फिंगर है वहां पे हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, फर्स्ट फिंगर में हम क्या लेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो देखो उस डायरेक्शन में मैंने रखा, यहां पे मैंने क्या रखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो इस तरफ से यहां पे जा रही है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे के डायरेक्शन में, तो सेकंड फिगर मैंने ओपन किया है इन टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। आप मेरे साथ करोगे तो ही पता चलेगा, आप अपने साथ साथ करते जाओ, अपना हैंड यूज करो। See, the first finger is in the direction of magnetic field, is in the direction of magnetic field. Second finger, नीचे की तरफ, मतलब current downward जा रहा है, देखा? अभी force, thumb को open करो, thumb कौन से direction में open हुआ? आपकी तरफ, मतलब board से बाहर आ रहा है, board से बाहर आ रहा है, तो this thumb indicates the direction of the force, this thumb indicates the direction of the force, clear? तो मतलब ये outside the board, outside the paper, यहाँ पे force लग रहा है। एक और चीज करते हैं, अगर ये करंट की डायरेक्शन नीचे नहीं ऊपर की तरफ होती तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा ऊपर की तरफ, तो थंब कहां पे ओपन होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है करंट ऊपर की तरफ, दोनों में 90 डिग्री, तो थंब ओपन होगा, थंब कहां पे ओपन होगा इनसाइड द बोर्ड, इनसाइड द बोर्ड यानी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में है तो अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा, अगर करंट अपवर्ड अपवर्ड साइड में है तो इनसाइड द बोर्ड मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाएगा, समझ में आया क्लियर। सो इनटू द बोर्ड कह सकते हो या तो फिर आउटसाइड द बोर्ड, तो यहां पे जब ऊपर के डायरेक्शन में करंट है तब इनसाइड द बोर्ड, करंट नीचे के डायरेक्शन में है तो आउटसाइड द बोर्ड आपकी तरफ आएगा, क्लियर।
तो यहाँ पे आपको वो चीज़ दिखाना है। ये कौन सा रूल हमने यूज़ किया? हमने रूल यूज़ किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं बेटा? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में यूज़ करते हैं हम थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, तो मिडल फिंगर। तो जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या इंडिकेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो हमारा ये क्या है? फर्स्ट फिंगर। करंट क्या इंडिकेट करता है? मतलब करंट कौन से लाइन से, कौन से फिंगर से इंडिकेट करेंगे? मिडल फिंगर। क्लियर? और फोर्स, और क्या आ जाता है बेटा? फोर्स। तो फोर्स क्या इंडिकेट करेगा? थंब। थंब विल इंडिकेट दी फोर्स। तो हमें इससे डायरेक्शन मिल जाती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कैसे मिलता है? फर्स्ट फिंगर पे हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मिडल फिंगर पे लेंगे हम करंट, तो थंब जिस डायरेक्शन में ओपन होगा उस डायरेक्शन में आपको मिलेगा फोर्स। कब फोर्स अप्लाई होता है? तो व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो देखो ये रोड है, कोई ना कोई एल्यूमिनियम का रोड है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो करंट पास हो रहा है और ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया, किसके अंदर रखा है हमने? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मतलब इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक जहां पे वो लाइंस को कट कर रहा है। इट इज कटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट मीन्स इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, सो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। व्हेन एनी ऑफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर, सिर्फ कंडक्टर नहीं, एल्यूमिनियम का रोड भी होता है, लेकिन उसमें बैटरी कनेक्ट नहीं की है और उसको मैग्नेट के नजदीक रखोगे तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें से करंट पास हो रहा है और मैग्नेट के नजदीक ले जाओगे, देन एंड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? दैट कैन बी नोन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दैट कैन बी नोन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? पुट द फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पुट द मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन ओपन द थंब एंड द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में थंब होगा फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा। नाउ टू रिमेंबर दैट, लेफ्ट हैंड में ये तीनों फिंगर्स को 90 डिग्री पे ओपन करना पड़ेगा। क्लियर? फोर्स मैक्सिमम कब होता है? व्हेन द फोर्स इज मैक्सिमम, व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है, तब फोर्स मैक्सिमम होता है। जीरो कब होगा? जब एक दूसरे से पैरेलल या तो एंटी पैरेलल है, सेम डायरेक्शन या एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स हो जाएगा जीरो। इफ द एंगल इज बिटवीन जीरो एंड 90 डिग्री, देन द फोर्स विल बी अकॉर्डिंगली चेंजिंग। जितना 90 डिग्री के करीब आएगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना जीरो की तरफ आएगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। क्लियर? सो द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी, सॉरी, फोर्स कैन बी नोन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इतना आपको देखना है, टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ो। बहुत ही बढ़िया फिगर दिया हुआ है, हैंड का भी फिगर दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल यहाँ से याद रखोगे, इस तरीके से दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे, देन एंड देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स व्हेन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत ही छोटा सा थियरी था जो हमने ज़्यादा टाइम लिया है बेटा। क्यों ज़्यादा टाइम लिया है? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा थियरीज है नहीं, जो छोटी बहुत थियरीज है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि तीन थियरीज ही हैं, तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। कौन सी तीन थियरीज हमने की बेटा? दिस इज द सेकेंड थियरी। फर्स्ट थियरी हमने की थी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड द थर्ड थियरी इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। कि इलेक्ट्रिक सर्किट तो हम 12th चैप्टर में पढ़ गए थे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट? जिसमें एक बैटरी होती है, मतलब कोई ना कोई पावर सप्लाई होता है जहां से वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो आप। दूसरा, वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे बल्ब हो सकता है, मतलब रेजिस्टर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टर्स, जैसे बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट्स, एसी, हीटर, आयरन, गीजर्स, दीज आर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और रेजिस्टर्स। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे घर पे आता है वो एसी पावर होता है। कौन सा पावर होता है बेटा? एसी, एसी सप्लाई कहते हैं। दो तरीके के पावर्स होते हैं, दो तरीके के सप्लाई होते हैं पावर सप्लाई। वन इज नोन एज डीसी सप्लाई, अनदर इज नोन एज एसी सप्लाई।
डीसी सप्लाई का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है बेटा? डीसी डायरेक्ट करंट, एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जब भी एसी सप्लाई आता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा? चेंज होती है। करंट इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज होता है, इंक्रीज डिक्रीज कंटिन्यूस चलता रहता है। क्लियर? देखो ये जो है बीच का जो लाइन है वो क्या इंडिकेट करता है? तब करंट हो जाएगा जीरो। करंट इंक्रीज हुआ, जीरो हुआ, फिर नेगेटिव गया, वापस पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव मींस डायरेक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव मींस डायरेक्शन। हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, मोशन स्टार्ट किया था तब, नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स मींस डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट आगे लेते हैं तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एक्सेलरेशन, अगर हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है तो नेगेटिव। सिमिलरली यहां पे एक डायरेक्शन में अगर करंट जाता है तो पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? और इस लाइन पे कितना हो जाएगा? इस लाइन पे होगा जीरो। तो मतलब करंट कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करता है तो उसे हम कहते हैं एसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग चेंजिंग करंट। अल्टरनेटिंग का मतलब अल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट एक सेकेंड में, ऐसा एक सेकेंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करता है। कितनी टाइम्स? 100 टाइम्स। ये कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार होगा? एक सेकेंड में 100 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स बेटा? 100 टाइम्स। क्लियर? लास्ट ईयर हमने एक और चैप्टर पढ़ा था साउंड, साउंड में हमने पढ़ा था वेव्स के बारे में। वेव्स होता है तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब यहां से लेके अगर मैं यहां तक का बोलूं तो उसे कहते हैं वन साइकिल। क्या बोलते हैं? वन साइकिल। एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, इन वन सेकेंड। एक सेकेंड में से कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नाउ जो ये एसी करंट है वो कितनी बार डायरेक्शन चेंज करता है? 100 टाइम्स इन वन सेकेंड, मतलब वन सेकेंड में 100 टाइम्स, 50 टाइम्स पॉजिटिव 50 टाइम्स नेगेटिव होगा, 50 टाइम्स पॉजिटिव 50 टाइम्स नेगेटिव होगा। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके कितना बनाएगा? वन साइकिल। तो 50 पॉजिटिव एंड 50 नेगेटिव मिलके कितने बनाएंगे बेटा? 50 साइकिल्स इन वन सेकेंड। समझ में आया मैंने क्या बोला? वापिस समझते हैं बेटा, जिनको पता नहीं चला उनको ये सारी चीजें भूल जाओ। हमारे पास दो तरीके के करंट होते हैं, वन इज अल्टरनेटिंग करंट, अनदर इज डीसी करंट। हमारे घर पे जो करंट आता है वो एसी होता है। वाई एसी? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या होता है बेटा? इट मींस अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? अल्टरनेटिंग का मतलब होता है चेंजिंग, जो चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है बेटा? डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्लियर? तो मतलब वो क्या होता है, थोड़ी देर पॉजिटिव होता है, थोड़ी देर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्शन चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज होता है। हमने आज तक जो भी सर्किट पढ़े थे वो सर्किट कैसे थे कि मतलब कोई ना कोई रजिस्टर होता है और यहां पर लगाया जाता है बैटरी। क्लियर? तो ये जो होती है यहां पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमेशा के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए उसे कहते हैं डीसी करंट, मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जिसमें डायरेक्शन कभी चेंज होती नहीं है। तो यह डीसी सप्लाई होता है। दूसरा एक होता है जिसे हम कहते हैं एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को इस तरीके से हम दिखाते हैं। सो दिस इज एसी सप्लाई। एसी सप्लाई में क्या होता है बेटा कि भाई होता तो रजिस्टर भी है, यहां पे देखो रजिस्टर ही कनेक्टेड है, लेकिन यहां पे थोड़ी देर इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, थोड़ी देर ऑपोजिट डायरेक्शन में, थोड़ी देर यहां पे जा रहा है, थोड़ी देर यहां पे, थोड़ी देर यहां पे, ये कंटिन्यूअस अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। एक सेकंड में कितनी बार चेंज करता है बेटा? 100 टाइम्स।
100 टाइम्स, यानी 50 टाइम्स इन दिस डायरेक्शन एंड 50 टाइम्स इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। अगर इसको ग्राफ में इंडिकेट करना है तो क्या करेंगे, पहले करंट जीरो था, इंक्रीज हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, वापस इंक्रीज हुआ, कम हुआ, इंक्रीज हुआ, कम हुआ, इंक्रीज डिक्रीज, तो यहां पे क्या होगा, दिस इज द पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ ऐसे यहां पे ये जो हिल्स गिनेंगे तो कितने होंगे 50, नीचे की तरफ ये सारे गिनेंगे तो भी कितने होंगे बेटा 50, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में आपको कितना चाहिए, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, ऐसे कितने हैं 50 पॉजिटिव एंड 50 नेगेटिव, 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके वन साइकिल बनते हैं, तो 50 पॉजिटिव एंड 50 नेगेटिव बनके कितने बनेंगे बेटा 50 साइकिल्स, कितने बनेंगे 50 साइकिल्स, क्यों, क्योंकि 100 टाइम्स चेंज हो रहा है इन वन साइकिल, तो मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, एंड नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, तो हमारा जो एसए सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा 50 हर्ट्ज, व्हाई, बिकॉज करंट इज चेंजिंग द डायरेक्शन 100 टाइम्स इन वन सेकंड, 100 टाइम्स चेंज होता है ऊपर नीचे, टोटल ऐसे गिने तो कितने हो जाएंगे बेटा 100, तो यहां पे दो साइकिल्स, दो कंप्लीट होके एक साइकिल बनता है, तो ऐसे 100 टाइम्स होंगे तो 50 साइकिल्स कंप्लीट होंगे इन वन सेकंड, तो नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन वन सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, तो जो ये ऐसे सप्लाई हमारे घर पे आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा 50 हर्ट्ज, क्लियर, समझ में आया, श्योर, सप्लाई क्या होता है, तो दो तरीके के सप्लाई होते हैं, वन इज नोन एज एसी सप्लाई, अनदर इज नोन एज डीसी सप्लाई, डीसी में डायरेक्शन चेंज होती है तो नहीं, डीसी में डायरेक्शन चेंज होती नहीं है, एसी में डायरेक्शन चेंज होती है तो हाँ होती है, कितनी बार, तो एक सेकेंड में 100 टाइम्स, तो एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा 50 हर्ट्ज, डीसी में तो डायरेक्शन चेंज ही नहीं होती तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा 0 हर्ट्ज, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज ही नहीं करता है, इट इज नॉट चेंजिंग देयर डायरेक्शन, तो उसे क्या कहेंगे बेटा 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, क्या कहेंगे बेटा 0 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज करता नहीं है, एसी कहां पे देखने को मिलता है और डीसी कहां पे देखने को मिलता है, तो कोई भी हमारा फोन जो मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, मोबाइल यानी मोबाइल फोन नहीं, इसे मोबाइल फोन कहा जाता है, इसे मोबाइल फोन कहा जाता है, बाइक्स कार्स होते हैं उसे ऑटोमोबाइल कहा जाता है, तो मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल, जिस चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है उसे हम मोबाइल कहते हैं, इसे क्यों मोबाइल कहते हैं, पहले हमारे पास वो रिसीवर्स थे, टेलीफोन्स थे, जिनको एक जगह से दूसरे घर तीसरे गांव ले जा नहीं सकते थे, नाउ वी हैव दिस स्मार्टफोन्स विच कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो वी आर कॉलिंग इन शॉर्ट मोबाइल, बट इट इज नोन एज मोबाइल फोन्स, इट इज नोन एज मोबाइल फोन्स, तो मोबाइल फोन में अगर हमें कनेक्शन करना है, कोई भी ऐसी मोबाइल चीज होती है, मोबाइल यानी मूवेबल डिवाइस है, जैसे बैटरीज होती है, यहां पे ये है, कार है, देन कोई भी चीज आप देख लो, लैपटॉप से, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है, वो चलते हैं डीसी सप्लाई पे, क्यों, क्योंकि डीसी सप्लाई स्टोर किया जा सकता है, एसी को स्टोर किया जा सकता नहीं है, डीसी कैन बी स्टोर्ड, डीसी कैन बी स्टोर्ड, एसी कैन नॉट बी स्टोर्ड, डायरेक्ट करंट को स्टोर कर सकते हैं, उसके लिए बैटरीज बनती है, एसी के लिए बैटरीज होती नहीं है, एसी घर पे सप्लाई आता है वो बैटरी में कनेक्टेड, मतलब कहीं पे स्टोर नहीं होता है, क्लियर, वो कहां से आता है, डायरेक्टली पावर स्टेशन से आता है, डायरेक्टली पावर स्टेशन से आता है, सो उसे स्टोर नहीं करते और डायरेक्टली उसको यूज कर लेना है, समझ में आया, डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी जनरली हमारे घर पे जो आती है उसका 50 हर्ट्ज है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पे 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इंडिया में देखें तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, समझ में आया,